अपर मुख्य सचिव गृह श्री अवनीश कुमार अवस्थी जी, प्रमुख सचिव परिवहन श्री अरविंद कुमार जी, प्रमुख सचिव स्वास्थ्य श्री देवेश त्रिवेदी जी, प्रमुख सचिव लोक निर्माण विभाग श्री नितिन रमेश गोकर्ण जी, परिवहन आयुक्त श्री धीरज साहू जी, प्रबंध निदेशक उत्तर प्रदेश राज्य परिवहन निगम श्री राजशेखर जी, सड़क सुरक्षा सप्ताह से जुड़े हुए विभिन्न विभागों से जुड़े हुए सभी अधिकारीगण, प्रतिभागीगण, मीडिया से जुड़े हुए सभी मित्रगण, सड़क सुरक्षा सप्ताह के शुभारंभ के अवसर पर मैं परिवहन विभाग को और अन्य सभी संबंधित विभाग के अधिकारियों को हृदय से धन्यवाद देता हूं कि व्यापक जागरूकता के माध्यम से सड़क सुरक्षा के बारे में आम जन को जागरूक करने के लिए, जिसे एक आवश्यक कार्यक्रम की सर्वाधिक आज के समय में आवश्यकता है, वह सड़क सुरक्षा से जुड़े हुए नियमों के बारे में व्यापक जागरूकता के कार्यक्रम को आगे बढ़ाने का। यह कार्यक्रम जागरूकता का ही एक हिस्सा है, लेकिन केवल एक विभाग से कार्यक्रम सफल नहीं हो सकता। शासन से जुड़े हुए सभी संबंधित विभागों में अंतर समन्वय और फिर इनके साथ आम जन की सहभागिता। हम लोगों का यह मानना है कि कोई भी कार्यक्रम तब तक सफलता की ऊंचाइयों को नहीं छू सकता है जब तक कि आम जन की सहभागिता उस कार्यक्रम के साथ न हो। और आम जन की सहभागिता की दृष्टि से सड़क सुरक्षा से जुड़े हुए मामले में बहुत महत्वपूर्ण है। मैं अक्सर इस बात को देखता हूं कि जागरूकता का अभाव बहुत बार घटना दुर्घटना का कारण बनता है। हम अपने जीवन के प्रत्येक कार्य को एक औपचारिक मात्र बना दिए, एक औपचारिकता जो हम लोगों ने जीवन के प्रत्येक कार्य को बना दिया है, उसके दुष्परिणामों के भुक्तभोगी भी हमें ही होना पड़ता है। मैं देखता हूं पुलिस कर्मी, ट्रैफिक पुलिस या पुलिस से जुड़े हुए जो भी अधिकारीगण हैं, एक टारगेट तय करते हैं कि हमें इतने चालान करने हैं। ये चालान काटना आपका लक्ष्य नहीं होना चाहिए। आपका लक्ष्य होना चाहिए कि आम नागरिक को इसके बारे में जागरूक करना कि हेलमेट पहनना, सीट बेल्ट लगाना इसलिए आवश्यक है जिससे उस संबंधित व्यक्ति के जीवन को बचाया जा सके, उसके जीवन को सुरक्षित रखा जा सके। आप चौराहे पर जगह जगह खड़े होकर के चालान काटें और उसकी खाना पूर्ति करके एक टेरर पैदा करें, ये लक्ष्य नहीं होना चाहिए। जब भी किसी मुहिम में हम एक सकारात्मक पहल को आगे नहीं बढ़ा पाते तो समाज का एक बड़ा तबका उससे वंचित रह जाता है, और ये एक दुखद पहलू है। पीढ़ी दर पीढ़ी MDH 100 वर्षों से आपकी सेहत के रख